नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। इस सवाल का जवाब तभी दीजिएगा जब आप सच में खुश हों, क्योंकि आजकल चेहरे पर खुशी और दिल में खुशी में बहुत फर्क होता है। कई बार हम ऊपर से मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से कितने परेशान हैं या हमारी परेशानी क्या है, ये हम किसी को जाहिर नहीं कर पाते। क्योंकि कई दर्द ऐसे होते हैं जो ना तो कहे जाते हैं और ना सहे जाते हैं, जिसका जिक्र हम किसी से नहीं कर सकते। लेकिन तकलीफ इतनी असहनीय होती है कि हम उसे सहन भी नहीं कर पाते, और ऐसे में कई लोग कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो आपको उस गलत कदम से बचाने के लिए आज हम आए हैं, आपके लिए एक ऐसा तरीका लाए हैं जिसको अपनाकर आप उस गलत कदम को उठाने से बच जाएंगे और अपनी भी जिंदगी में खुशियों को वापस ला पाएंगे। तो आइए बताते हैं उस तरीके के बारे में। वो तरीका है वशीकरण का तरीका। आप अपनी जिंदगी में दुखी तब होते हैं जब कोई व्यक्ति आपसे दूर चला जाता है, वो व्यक्ति जिसका आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव है, जिसके होने से आपकी सुबह होती है, जिसके होने से आपकी शाम होती है, जिसे देखकर आपके चेहरे पर खुशी आती है। अगर वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाए तो ऐसा लगता है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। तो अपनी खुशियों को और उस व्यक्ति को जिंदगी में वापस लाने का क्या तरीका है, आइए देखते हैं एक सरल विधि के साथ। ये वशीकरण बहुत प्रचंड है, तो बहुत सोच समझकर इस विधि को कीजिएगा। इसके लिए आपको सिर्फ उस व्यक्ति की फोटो और कपूर चाहिए। जी हाँ, बस ये दो चीजें इस्तेमाल करके आप उस व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये विधि क्या है। तो आपको उस व्यक्ति की फोटो लेनी है और कपूर लेना है, और आपको इस फोटो के पीछे लाल मार्कर की सहायता से एक मंत्र लिखना है। आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है। ओम नमो ह्रीं क्रूं मम वश्यं भवन्ति। इस मंत्र को आपको फोटो पर लिखना है, फिर आपको इस फोटो को चार बार फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद 3 घंटे तक आपको इस फोटो को अपने पास रखना है। ध्यान रहे कि इस फोटो को आपको अपने पास ही रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको आपने कहीं भी रख दिया। इस फोटो को जब आप अपने पास रखेंगे तभी ये वशीकरण होगा। इसके बाद आपको कपूर के माध्यम से इस फोटो को जला देना है। ध्यान रहे कि ये विधि करने के समय आपको कोई देख ना ले। जब आप फोटो को जला दें, उसके बाद इसकी राख को ले जाकर आप पानी में बहा दीजिएगा, और पानी में बहाने के बाद जैसे ही आप घर लौटेंगे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि जो मंत्र मैंने आपको बताया है वो बहुत ही शक्तिशाली है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इस विधि का प्रयोग तभी कीजिएगा जब आप पूरी तरह से श्योर हों कि आपको इसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना है, और आपको सही प्रकार से इस विधि का प्रयोग करना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, यदि आपको कोई और समस्या या परेशानी है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा, तो आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना चाहिए और गुरुजी से बात करके अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर अपनी मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप सबकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो बिल्कुल भी देर ना करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए, गुरुजी से बात करके अपनी सभी परेशानियों का निदान पाइए, और वो भी तुरंत ही। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।